खबरों की शुरुआत करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन में कोही और ठुकराइन टोला के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। इस अवसर पर सीएम ठुकराइन टोला में 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि से तटबंध कार्य का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री कोही में जल संसाधन से जुड़ी हुई 52 करोड़ 40 लाख रुपए की संरचनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इसे मिलाकर पाटन विकास खंड में जल संसाधन विभाग के लगभग 74 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन होगा। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रिया, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजिम और पाटन के दौरे पर रहेंगे। अगर निर्धारित कार्यक्रम की बात करूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर के दुर्ग पहुंचेंगे। वहां पर लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 4:30 बजे राजिम के लिए रवाना होंगे और 5 बजे राजिम माघी पूर्णिमा में शामिल होने के बाद वहीं से रात 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के लिए भी रवाना होंगे। इसके अलावा अगर हम सीएम के विकास कार्यों की बात करें तो आज विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो दुर्ग के ठकुराइन टोला में 19 करोड़ 40 लाख रुपए के लक्ष्मण झूले का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद कोही में 52 करोड़ रुपए की लागत के जल संसाधन कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद दुर्ग के पाटन अभनपुर मार्ग में खमरिया नाले के 6 करोड़ लागत की बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विकास खंड के जल संसाधन विभाग के कुल 74 करोड़ की लागत के से बने जो कार्य है उसका भूमि पूजन करेंगे। तो ये इस तरीके से आज मुख्यमंत्री का दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है। सुप्रिया, आज इस पावन अवसर पर महाशिवरात्रि की क्या तैयारियां और रह सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज महाशिवरात्रि है तो अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ पर तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आरती भी अभी हमें सुनाई दे रही है, तो वही काफी भक्त ऐसे हैं जो उत्साह पूर्वक मंदिर के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि कोरोना का जो काल है वो थोड़ा सा छटा है, कोरोना की रफ्तार कम हुई है, इस वजह से भक्तों में ज्यादातर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वही अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भी आज महाशिवरात्रि के पर्व पर राजिम जो है वो जाने वाले हैं। राजिम का कुलेश्वर महादेव काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसी मान्यता है कि जो कुलेश्वर महादेव है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाए वो पूरी होती है। वहाँ पर हर साल पुन्नी मेला का आयोजन भी किया जाता है जिसका समापन महाशिवरात्रि के दिन ही होता है। तो इस तरीके से आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।